Hello, everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. Hello, kids. Yes, our today's topic is our lesson number three the ant and the grasshopper from your workbook. As you all know, इन वर्क बुक वी डू ग्रामेटिकल पार्ट ओके एंड आर टूडेज ग्रैमर टॉपिक इज प्रोनाउन एंड वी विल टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर लेसन टू लर्न अबाउट प्रोनाउन फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल मस्ट बी अवेयर अबाउट नाउन वॉट इज नाउन नाउन किसे कहते हैं पहले ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए आफ्टर देन यू विल बी एबल टू लर्न अबाउट प्रोनाउन नाउन क्या होता है किसी भी किसी भी व्यक्ति का नाम नेम ऑफ अ पर्सन किसी भी स्थान का नाम नेम ऑफ अ प्लेस किसी भी वस्तु का नाम नेम ऑफ अ थिंग और कई बार ऐसी चीज़ों के नाम जिसे हम देख भी नहीं सकते लेकिन उस चीज़ का नाम नाउन कहलाता है लाइक लव पेन वी कॉन्ट सी इट बट दैट वर्ड इज़ ऑल्सो नाउन एंड now we will see what's pronoun okay what's pronoun let's start our today's topic pronoun subjective pronoun and objective pronoun आपने पहले करा हुआ ये टॉपिक लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास में भी सेकंड क्लास में भी व्हाट इज प्रोनाउन आज हम इसके आगे टू टाइप्स रीड करेंगे पर्सनल प्रोनाउन ध्यान है आपको आप लोगों ने किया था पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या हैं आई वी

To carry the corn to its nest. Here the word he is used for? He is used for? For the ant. Yes, we are not saying the ant was toiling. We are saying he was. He stands for the ant. In the first sentence the noun ant is used. In the second sentence the word he is used in place of the word ant. such words which are used instead of nouns are called pronouns. सबको पता है ना जो words noun की जगह पे use होते हैं उनको pronoun कहते हैं अब इस sentence में क्या था ant पहले sentence में use हुआ ant and ant is an ant is noun but in the next sentence we are not repeating the word ant हम उसको repeat नहीं कर रहे हैं हम उसकी जगह पे क्या word use कर रहे हैं he and Because we are using he instead of and that's why it's pronoun क्योंकि हम noun word and की जगह पे he use कर रहे हैं तो ये क्या हो गया pronoun the noun that is used in the beginning of a sentence is called subject and the noun that is used in the end of the sentence is called object एक एक sentence अपने कोई भी लिखते हैं उसके जो स्टार्टिंग में नाउन आता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट क्या बोलते हैं उसको सब्जेक्ट ओके okay? और सेंटेंस के लास्ट में अगर या बीच में अगर कोई नाउन आता है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आपको डिफरेंस पता चला जो स्टार्टिंग में आता है दैट इज सब्जेक्ट स्टार्टिंग में सब्जेक्ट एज फॉर स्टार्टिंग एज फॉर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में जो नाउन आता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाद में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है ओके प्रोनाउंस दैट आर यूज टू रिप्लेस द नाउन इन द सब्जेक्ट पोजिशन आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो वाले प्रोनाउन जो स्टार्टिंग में नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं उनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं और जो Those that are used in the object position are called objective pronoun. सबसे पहले अपने को क्या चेक करना है कि noun subject की place पे है या object है okay? और अगर हम जो pronoun है वो subject वाली position पर use करते हैं तो उसको बोलेंगे subjective pronoun. अगर object वाली position वाले noun के लिए use कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे objective pronoun. चल थोड़ा सा और इसको अपने डिटेल में देखते हैं सम प्रोनाउन्स आर यूज एज सब्जेक्ट सबसे पहले हम सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देख रहे हैं इनमें कौन कौन से वर्ड हैं आई यू ही शी इट दे इनको अपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था ना वैसे एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट मी आस यू हिम हर इट दम दीज आर फॉर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन्स ठीक है अब अपने देखेंगे कि कौन से वर्ड सब्जेक्ट की जगह पे कैसे यूज़ होते हैं और कौन से वर्ड ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे यूज होते हैं राधा गॉट द फर्स्ट रैंक राधा गॉट द फर्स्ट रैंक फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज़ नाउन इन दिस सेंटेंस यस राधा राधा इज आर नाउन और इसकी पोजिशन क्या है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आई या बाद में आई ये स्टार्टिंग में है राधा तो स्टार्टिंग मीन सब्जेक्ट पोजिशन तो अब हम राधा के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे राधा इज अ गर्ल राधा इज अ गर्ल नेम ऑफ अ गर्ल ना तो वी विल यूज व्हाट आई यू ही शी इट दे में से क्या यूज़ करेंगे ऑब्वियसली इट्स शी 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 यूज़ कर रहे हैं अपने नाउन की जगह पे तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि शी वर्ड इज अ प्रोनाउन अब अपने को क्या चेक करना है अदर इट्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो अपने स्टार्टिंग में यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट भी पोजिशन पर यूज कर रहे हैं तो दैट्स वाई इट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्लियर समझ में आ रहा है आप सभी को इफ यू गट एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन देन राइट इन द कमेंट बॉक्स आई गिव यू रिप्लाई ओके सबसे पहले आपको यह समझना है कि सब्जेक्ट की जगह कौन सी है ऑब्जेक्ट की कौन सी है जब सब्जेक्ट की जगह पता है मीन स्टार्टिंग की पोजीशन पे जो नाउन आ रहा है दैट इज सब्जेक्टिव प्लेस और बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे तो जो नाउन की जगह पे वर्ड प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट वाली जगह पे हम लिखेंगे तो वो होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे लिखेंगे तो वो होगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ओके लेट्स गो टू आर नेक्स्ट एग्जाम्पल रघु हैज़ कम्प्लीटेड हीज वर्क रघु हैज़ कम्प्लीटेड हीज़ वर्क तो डैश दिया हुआ अपना रघु की जगह पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक विच पोजिशन इज इट रघु इज अउन ऑब्वियसली इट्स अ नेम ऑफ अ बॉय एंड द नेम ऑफ अ बॉय इज नाउन एंड द पोजिशन इज़ सब्जेक्ट एंड इट्स पोजिशन इज सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ होते हैं अभी हमने पढ़े थे यस आई वी ही शी इट दे ये वो है ना आपने आई यू ही शी इट दे ओके इसमें वी भी होता है ओके okay? वी भी यूज़ होता है सब्जेक्ट की जगह पे तो इनमें से अब देखो रघु के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे फॉर अ बॉय वी विल यूज़ ही He has completed his work. He is a subjective pronoun because we are making use of it on the position of subject. This gift is very nice. This gift. For gift, we can use which pronoun? I, we, you, he, she. इट और दे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे आई किसके लिए यूज़ होता है मैं के लिए और वी हम ही फॉर अ बॉय शी फॉर अ गर्ल यस एंड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड दे एक से ज़्यादा लोगों के लिए ओके okay? एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए या एक से ज़्यादा लोगों के लिए तो यहाँ पे क्या है दिस गिफ्ट इज नॉन लिविंग थिंग तो वी विल यूज इट इट इज वेरी नाइस नेक्स्ट इज माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मार्केट माई ब्रदर एंड आई मतलब वो गए या हम गए क्या मतलब हुआ इसका क्या बोलेंगे माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द मार्केट इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे वो मार्केट गए या हम मार्केट गए क्योंकि आई भी इंक्लूडेड है तो हम बोलेंगे हम मार्केट गए क्योंकि मैं भी तो साथ जा रहा हूँ ना तो इसलिए बोलेंगे हम तो हम के लिए क्या वर्ड यूज होता है वी वी वेंट टू द मार्केट वी वेंट टू द मार्केट वी इज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन बिकॉज वी आर यूजिंग इट ऑन द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट देन राजू एंड अरुण आर माय नेबर्स राजू एंड आरुण आर माय नेबर्स राजू और अरुण मेरे नेबर्स हैं ओके राजू और अरुण मेरे नेबर्स हैं तो क्या करेंगे इसमें वी यूज़ होगा या दे यूज़ होगा ज़्यादा के लिए तो वी या यूज ही वी या दे यूज़ होता है वी नो दैट ना ज़्यादा के लिए क्या यूज़ होता है वी विल यूज़ दे आर माई नेबर्स वे मेरे नेबर्स हैं वे मेरे पड़ोसी हैं चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू फिल द ऑब्जेक्ट पोजिशन नाउ वी विल फिल द ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑब्जेक्ट मतलब जो स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है एंड में है ओके दैट इज ऑब्जेक्ट द टीचर कॉल्ड अनिल द टीचर कॉल्ड ही और हिम ऑब्जेक्ट में कौन सा प्रोनाउन यूज होगा येस हिम आई ब्रॉक द फ्लार वेस आई ब्रॉक द फ्लार वास आई ब्रॉक इट और दोज इट और दोज दोज इज फॉर वन और मैनी Those is, for, uh, those is used for many and it is used for one. How many flower vases are there? One. So, we will use it. I broke it. We invited our neighbors for the party. We invited dash for the party. They or them. They is for subject and them is for object. तो विच पोजिशन इज़ नाउ ऑब्जेक्ट सो वी विल यूज़ दैम द प्रिंसिपल पनिश्ड गौतम एंड मी द प्रिंसिपल पनिश्ड गौतम एंड मी किस को पनिश किया प्रिंसिपल ने गौतम को और मेरे को तो इसके लिए हम प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे हमें हमें पनिश किया या हम पनिश किया ऑब्वियसली इट्स Hame, us, the principal punished us. I gave the file to Sheila. I gave the file to she or her. She or her. She is for subject and her is for object. Okay, good. Now, for the practice of these pronouns.

वर्ट्स द पोजेसिव पोजेशन मीन्स होता है किसी चीज़ पे अधिकार होना किसी चीज़ को ऑन करना किसी चीज़ का ऑनर होना कि ये चीज़ मेरी है मेरे से बिलोंग करती है या मेरे से रिलेटेड है इट्स माई वॉच इट्स योर बुक किस से बिलोंग करती है आपकी है तो योर बुक मेरी है तो माई बुक ना दैट इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस ओके, वी रीड द लेसन द एंड एंड द ग्रेस लेट्स रीड अ सेंटेंस पिक द फ्रॉम द लेसन ही वाज ही वाज टॉयलिंग टू कैरी द कॉर्न टू हिज नेस्ट हिज नेस्ट, किसका नेस्ट द नेस्ट बिलोंग्स टू हुम? यस, हिज इज द पॉजिटिव प्रोनाउन नेस्ट के ऊपर किसका अधिकार है किसकी चीज़ है वो तो जो वर्ड इस चीज़ को इंडिकेट करता है इस बारे में बताता है दैट इज़ कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन मतलब इस चीज़ पे हमारा पोजेशन है हमारा अधिकार है ओके इन द सेंटेंस द वर्ड हीज रेफर्स टू द एंड नेस्ट सम प्रोनाउंस वी आर यूज टू टेल हुज ऑब्जेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउंस ओके हेयर आर सम एग्जाम्पल्स दिस इज सीताज़ बैक सीताज़ बैक तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगी दिस इज हर बैक हर इज यूज फॉर गर्ल तो सीता इज अ गर्ल दैट्स वाई वी विल राइट है ह दिस इज हर बैक हर इज पॉजिटिव प्रोनाउन दैट इज रविज बाइक किसकी बाइक है रवि की तो रवि के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा हिज़ दैट इज़ हिज़ बाइक दोज आर हरीज़ एंड माई थिंग्स हमारी है ना हरी की और मेरी मतलब हमारी चीज़ें हैं दोज़ आर आर थिंग्स गट इट दोज आर आर थिंग्स हमारी चीज़ें हैं दीज आर गोरीज एंड राधाज़ बुक्स इसमें मैं तो इंक्लूड नहीं हूँ ना उनकी हैं उनकी हैं हमारी नहीं है। अगर मैं या मेरा बीच में आता है तब बोला जाता है कि ये हमारी चीज़ है अब जब मैं इसमें इंक्लूड नहीं हूँ किसी और दो लोगों की है तो मतलब उनकी चीज़ है उनके लिए क्या यूज़ होगा देयर दीज आर देयर बुक्स देयर बुक्स द कार बिलोंग्स टू मी दिस इज़ दैट इज़ माई कार दैट इज माई कार मेरी कार है ओके चूज द करेक्ट प्रोनाउंस टू फिल द ब्लैंक्स दीज डोल्स आर दीज डोल्स आर हर्स जब अपना जो चीज़ जिसका पोजेशन हमारे पास या किसी के पास है वो चीज़ का नाम अगर पहले लिखा जाता है तो हम हर की जगह हर्स यूज़ करेंगे ओके okay? माई की जगह माइन यूज़ करेंगी ओके okay? हिम की जगह हिज होगा और आर की जगह आर्स होगा ओके दीज डोल्स आर हर्स ये उसकी डॉल्स हैं दैट पैन इज़ हिज हिज ओके दो सारीज आर हर्स इट्स नॉट रविज इट्स Mine. This vehicle is ours. Okay. This vehicle is ours. आप देखो ये इस, इस वाले जो एग्ज़म्पल्स में दिया हुआ था तो जो चीज़ का पोजिशन था वो आपके प्रोनाउन के बाद यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे दिस इज़ सीताज़ बैग तो हम इसके लिए क्या बोलेंगे दिस बै दिस इज़ हर बैग ओके okay, अगर पहले बैग लिखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे हर्स दिस बैग इज़ हर्स आर यू गेटिंग द डिफरेंस सेंटेंस के लिखने में फ़र्क आता है अगर लिखा हुआ है दिस इज़ डैश बैग तो आप लिखेंगे दिस इज़ हर बैग अगर इस बात को इस तरीके से ना लिख के दूसरे तरीके से लिखा जाता है दिस बैग इज़ तो प्रोनाउन बाद में आ रहा है जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ रहा है जिस भी थिंग से अपना पोजीशन है वो पहले आ रही है प्रोनाउन बाद में आ रहा है तो हर नहीं लिखा जाएगा उस पॉजिटिव प्रोनाउन को लिखा जाएगा हर्स ओके दिस बाइक इज हिज ओके मैं यही वाले सेंटेंसेस को दूसरी तरह से आपको पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ करके बता रही हूँ ओके दोज थिंग्स आर देयर

दोनों ही पोजेसिव प्रोनाउन हैं ओके माई माइन आर आरस हर हर्स ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन ही हैं लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो उसको माई लिखना सही रहेगा या माइन ओके okay? दोनों का मीनिंग एक ही होता है कि ये चीज़ मेरी है लेकिन अगर आपकी जो चीज़ का नाम पहले आ रहा है और प्रोनाउन बाद में आ रहा है तो माइन लिखा जाता है अगर प्रोनाउन पहले है और चीज़ बाद में है तो माई लिखा जाता है ओके और नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग द पोजिव प्रोनाउंस गिवन हुज बुक इज दिस इज दिस तो आपको ये प्रोनाउन यूज करके इसका आंसर लिखना है दिस बुक दिस इज माई बुक दिस इज माई बुक के माई यूज़ करना ना अपने को तो दिस इज माई बुक हुज हाउस इज दैट दैट इज आर हाउस दैट इज आर हाउस हुज पेंसिल इज दिस दिस इज हिज पेंसिल हुज थिंग्स आर दीज These are their things. These are their things. Whose bike is this? This is her bike. Okay. This is her bike. And next is reflexive pronouns. Reflexive pronouns. This is the next type of pronoun. We are done with subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, and this is the

हर सेल्फ एंड इथ सेल्फ आर यूज टू टेल अबाउट एन एक्शन विच वन दज टू वन सेल्फ सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस सबसे पहली पहचान रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की क्या होती है कि इसमें एंड में सेल्फ या सेल्स लिखा हुआ होता है तो कोई भी एक्शन ये बताता है कि वो वाला काम वो खुद से कर रहे हैं तो उस प्रोनाउन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो इसको आगे अपने कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे लेट्स डू सम एक्सरसाइजेज एड सेल्फ़ और सेल्फ सेल्फ वन के लिए रहता है और सेल्स वन से ज़्यादा के लिए मीन्स सेल्फ इज सिंगुलर एंड सेल्स इज प्लूरल माई माई क्या होता है वन सिंगल पर्सन के लिए यूज़ होता है माई माई मीन्स मेरा तो मेरा मतलब एक व्यक्ति का ही है तो इसके साथ ऐड होता है माई सेल्फ एस सी एल एफ सेल्फ अव ओके ओ यू आर 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 तो मतलब एक से ज़्यादा तो सेल्स लगाएंगे हिम वन पर्सन तो सेल्फ हर मीन्स वन गर्ल सेल्फ हर सेल्फ दैम मीन्स मोर देन वन परस देन दैन सेल्स ओके फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम दोज गिवन बिलो दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स हर सेल्फ हिम सेल्फ आर सेल्स माई सेल्फ एंड दैम सेल्स तो अभी आपको यूज़ करना है कि कौन सा प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से सेंटेंस में यूज़ होगा लाइक ही फेल डाउन एंड हर्ट डैश ही ही के साथ कौन सा आप रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन आएगा ही इज़ फॉर बॉय हीम इज ऑल्सो फॉर बॉय तो सबसे पहले आपको इसी को कनेक्ट करना है ही है तो हिम सेल्फ आएगा क्योंकि बॉय के लिए यूज़ हो रहा है तो दोनों जो प्रोनाउन है जो मैस्कुलन से बिलोंग करते हैं वही आपको लिखने हैं ही डाउन एंड हर्ट हिम सेल्फ मतलब वो गिर गया और उसने अपने आप को चोट लगा ली मतलब वो अपने आप ही गिरा है किसी ने उसको गिराया नहीं है वो खुद ही गिर गया और खुद के उसके चोट लग गई इस सेंटेंस का ये मीनिंग है ओके आई 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 के साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाम आएगा आई के साथ माई सेल्फ आई कट माई सेल्फ वन आई वॉज़ चॉपिंग वेजिटेबल जब मैं वेजिटेबल्स चॉप कर रहा था वेजिटेबल्स कट कर रहा था तो मेरा मेरे ख़ुद के कट लग गया मतलब मैंने मेरे जो चोट लगी मेरे जो कट लगा उसमें किसी और का कोई फॉल्ट नहीं था किसी और का कोई रोल नहीं था मुझे मेरे, जो कट लगा है वो मेरे से खुद से लगा है यहाँ से मतलब क्या होता है खुद से सेल्फ मतलब खुद से ही हिन्ल्फ मतलब उसके खुद से माई माई सेल्फ मतलब मेरे से खुद से वी मस्ट चेंज डैश इफ़ वी वॉन्ट टू सक्सीड वी के साथ कौन सा आएगा आ सेल्स हमें अपने आप को बदलना चाहिए अगर हम सक्सीड करना चाहते हैं अगर हम सफल होना चाहते हैं अपने आप को हमें अपने आप को मतलब कोई और नहीं हम खुद दे पनिश्ड न सेल्स उन्होंने खुद को पनिशमेंट दी शी बंट हर सेल्फ वाइल कुकिंग जब वो कुकिंग कर रही थी तो वो खुद से जल गई मतलब देर वॉज नो बडी टू गिव हिम एनी बंट और एनी हर्ट देट वॉज हर ओन मिस्टेक नो बडी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर That. Rearrange the words to make meaningful sentences. Cut I myself. I cut myself. Hurt himself, he playing while cricket. He hurt himself while playing cricket. It she for herself did. She did it.

कुछ डेमोस्ट्रेट करना कुछ दिखाने वाले वर्ड दीज आर ऑल्सो वेरी सिंपल वी हैव डन इन आर लास्ट क्लासिसल्सो इन फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंसिज वी हैव डन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दीज आर दिस दैट दीज दोज वेरी कॉमनली वी यूज दिस सेंटेंसेज दीज वर्ड्स इन आर डे टू डे लाइफ दिस इज फॉर वन वन थिंग दैट इज नियर टू अस दीज इज़ फॉर This word is used for many things that are near to us, that is for one thing that is far away from us, and those are used for many things which are far away from us. Okay. When we point out anything, thus, that these, those, these are the words, four words are that are called demonstrative pronouns. Okay. We use some words like this that these, those, टू शो थिंग्स दिस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कुछ दिखाने के लिए जो अपने ये वाले वर्ड फोर वर्ड्स यूज करते हैं इनको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं वी यूज दिस दैट फॉर सिंगुलर नाउन एंड दि इज़ दो फॉर प्लूरल वनस दिस इज फॉर सिंगुलर दैट इज़ नियर टू अस दैट इज़ ऑल्सो फॉर सिंगुलर बट दैट इज़ फार अवे फ्रॉम आस यू आर गेटिंग माई पॉइंट दिस नज़दीक वाली चीज़ों के लिए सिंगुलर सिंगल चीज दैट दूर वाली चीज़ के लिए सिंगल के लिए दीज नज़दीक की ज़्यादा चीज़ों के लिए those दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए ओके दिस एंड दीज आर यूज फॉर थिंग्स विच आर नियर आस दैट or दोज आर यूज फॉर थिंग्स विच आर फार अवे from आस लेट्स डू सम exercises नाउ दिस इज a कार कैन यू कंप्लीट द sentences using यूजिंग दिस दैट those दोज okay? ओके देखिए आपके राइट right साइड वाले दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आपको दैट यूज़ करना है आपके लेफ्ट साइड वाले आपके पास वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको दिस यूज़ करना है नाउ यू विल सी विच इज़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ द करेक्ट वर्ड ओके यू विल चेक इट बाय योरसेल्फ where to put this that these and those very simple exercise you all of you can do it by yourself match the sentences with the correct pictures okay those are watches this is my new cd that is anand's house this is ram's new mp3 player those are beautiful flowers okay and this is all for today's lesson. Do it.